मैं गारंटी के साथ कहता हूं करप्शन खत्म हो जाए 80% जातिवाद एक साल के अंदर खत्म हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाए 80% माओवाद एक साल के अंदर खत्म हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाए फॉरेन फंडिंग बंद हो जाए 80% नक्सलवाद एक साल के अंदर खत्म हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाए फॉरेन फंडिंग बंद हो जाए धर्मांतरण बंद हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए नक्सलवाद करप्शन खत्म हो जाए फॉरेन फंडिंग बंद हो जाए, जो दलित बनाम संवर्ण वाला खेल चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, ये जितने बड़े अकाउंट बने हुए हैं फेसबुक ट्विटर पे दलित बनाम संवर्ण करने के लिए, अगला बना पिछड़ा करने के लिए, सबको पैसा आ रहा है, अलग अलग तरीके से पैसा आ रहा है, खाड़ी देशों से सीधे कैश आ रहा है, उसको हवाला कहते हैं, आप सबने भी सुना होगा हवाला का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को FCRA के जरिए आ रहा है, एक कानून है। 2010 में कांग्रेस की सरकार ने, जब उसको लगा कि हम शायद 2014 में नहीं आएंगे, अपने पालतू NGO, पालतू चैनलों, पालतू पत्रकारों, पालतू तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ताओं की फंडिंग कराने के लिए उन्होंने एक बड़ा घटिया कानून बनाया, उसको कहते हैं FCRA। मैंने उस कानून को चैलेंज किया हुआ है, उस कानून से बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग आ रही है, और एक तो उन्होंने ऐसा खेल खेला कि अभी तक RBI को समझ में नहीं आ रहा इतना बड़ा खेल कैसे हो गया। आप लोग गूगल करिएगा यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड अश्विनी उपाध्याय, एक मेरी PIL चल रही है, और वो खेल मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। आपको पता है दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था, ध्यान है, सड़क जाम करके बैठे हुए थे, दुर्भाग्यवश वो मेरा भी रास्ता है, हम भी वहीं से रोज गुजरते थे, तो जब मुझे 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंचना होता था, मैं 3 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंचता था, मैं बहुत परेशान था, सोच रहा था क्या है कैसे करें, कुछ इसका कोई एविडेंस मिले, कुछ तो मिले। एक मिस्टर नवल किशोर सिंह है, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि वास्तव में राष्ट्रभक्त हो तो ऐसा होना चाहिए, मुझे लगातार फोन कर रहे थे, भाई साहब ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग हो रही है, ऐसे हो रही है ऐसे, मतलब वो मुझे एक्सप्लेन करते थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। एक तो मैं इंजीनियर, कोई फाइनेंस का आदमी हूं नहीं, मैं ये तो इंजीनियरिंग छोड़ के मैंने वकालत कर लिया, एक्सीडेंटल इंजीनियर, एक्सीडेंटल एडवोकेट, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन, सब कुछ एक्सीडेंटली है, मुझे उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। नवल किशोर सिंह ऑस्ट्रेलिया से टिकट लगा के आए, 80,000 रुपये या 1,00,000 रुपये टिकट लगता है ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आने का, और वो डॉक्यूमेंट लेके आए, बोले भाई साहब देखिए मैंने ये पैसा ट्रांसफर किया है, एक बार मैंने पैसा ट्रांसफर किया तब तो स्टेटमेंट पे लिखा हुआ था AUD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर, नवल किशोर सिंह ये लिखा हुआ था, लेकिन मैंने 3 बार और ट्रांसफर किया तो ना उस पर AUD लिखा ना IMT लिखा। IMT का मतलब इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। आप लोग अगर बैंक ट्रांजेक्शन करते होंगे तो पता होगा एक NEFT होता है, सुना आपने NEFT, एक RTGS होता है, तो NEFT और RTGS डोमेस्टिक टूल है, और बाहर से पैसा अगर आए और जाए तो IMT इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, यह लिखना ये उस पर लिखा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो RBI का सॉफ्टवेयर है वो केवल उसी कोड को देखता है, IMT लिखा है तो मान लेगा विदेश से फंडिंग आ रही है, NEFT लिखा हुआ है इसका मतलब अंदर फंडिंग, अंदर से ट्रांजेक्शन हो रहा है, RTGS लिखा है मतलब अंदर से ट्रांजेक्शन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया से वो पैसा भेज रहे थे ट्रायल करने के लिए, सबूत इकट्ठा करने के लिए, और हुआ वही, एक बार RTGS आ गया, एक बार NEFT आया, वो दोनों एविडेंस लेके मेरे पास आए, मैंने देखा तब मेरा भी दिमाग चकरा, हमने कहा बाप रे बाप इतना बड़ा काम हो रहा है। इस देश में नक्सलियों को, माओवादियों को, कट्टरपंथियों को, जिहादियों को, जातिवादियों को, भाषावादियों को, क्षेत्रवादियों को, मिशनरियों को बहुत बड़े पैमाने पे बाहर से फंडिंग आ रही है, बैंक के थ्रू आ रही है, और सरकार को नहीं पकड़ पा रही थी। मैंने PIL फाइल किया कि भैया RTGS और NEFT तो डोमेस्टिक टूल है, बाहर से पैसा आना चाहिए तो IMT लिखा होना चाहिए, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। अब जाके RBI कुछ शुरू कर रहा है काम, हालांकि जवाब नहीं दिया, परसों नरसों फाइल मैटर लगा था उनको, उनको भी अभी भी कहीं कहीं डिलेमा में है, या कोई एक डायलॉग था, सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम तो
या तो वो कहानी है या जो कहानी है। अगर ये बात मुझे समझ में आ गई कि बाहर का पैसा NEFT RTGS से आ रहा है, गलत आ रहा है, तो ये बात RBI को समझ में आ जाना चाहिए था। क्यों नहीं आई मुझे नहीं पता, हालांकि अब देखते हैं अगले महीने फिर डेट पड़ेगी क्या हो रहा है। दुश्मनों से लड़ना है तो अपने रसद अपने साजो सामान मजबूत करना चाहिए और दुश्मनों की रसद काट देनी चाहिए। यही जीतने का तरीका है, अपने साजो सामान मजबूत हो और दुश्मन की सप्लाई काट दीजिए, उसका रसद काट दीजिए, कुछ दिन के बाद दम तोड़ देगा। हमारी कोशिश है कि देश के गद्दारों की रसद कट जाए, देश के दुश्मनों की सप्लाई कट जाए। वो हर काम पैसे के लिए कर रहे हैं। आपके झबुआ में जो धर्मांतरण हो रहा है वो पैसे के लिए हो रहा है, कोई फ्री में नहीं कर रहा है। पैसा आ रहा है धर्मांतरण कराने के लिए, बड़े मात्रा में आ रहा है। अगर वो पैसा बंद हो जाए, मिशनरियां फिर वहां पे कोई जो कह रही ना हम तो सेवा कर रहे हैं, वो सेवा वह सब भूल के चले जाएंगे, वो मेवा खाने के चक्कर में वहां रुकी हुई है। सेवा फंडिंग बंद, मेवा बंद, मेवा बंद तो सेवा बंद। सच्चाई ये है। एक बात और, LLB में अगर जिसका 75% से कम अटेंडेंस हो तो पेपर नहीं दे सकता। आज भी यही चल रहा है, पहले भी यही था, हमने किया था तब भी यही था, मिनिमम 75%। MBBS में 75% से कम अटेंडेंस हो एग्जाम नहीं दे सकता, लेकिन संसद विधानसभा में 1% अटेंडेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये तमाशा है कि नहीं, आपके पैसे का मिसयूज हो रहा है कि नहीं। अरे आप टैक्स देते हो ना, आप ही के टैक्स से उनको चार्टर्ड प्लेन मिलता है, आप ही के टैक्स से उनको फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट मिलता है। और दुख इस बात का है, अपना बेटा 500 रुपए मांगता है तो पूछते क्या करेगा, अगले दिन 500 मांगेगा, बोले कल तो दिया था, कल वाला हिसाब दे पहले। अपने घर वाले को 500 रुपए देते हैं, जब तक पुराना हिसाब नहीं मिलता नया 500 नहीं देते, और लाखों रुपए टैक्स दे रहे हैं इस देश में टैक्स पेयर, कभी हिसाब ही नहीं मांगते कि मेरे टैक्स का हो क्या रहा है। मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? 1% अटेंडेंस, 2%, मैंने तो सुना कई सारे ऐसे हीरो हीरोइन आए जो आए नहीं, 6 साल राज्यसभा में रहे, क्या चेहरा देखने के लिए उनको बुलाया था क्या? ये संसद विधानसभा क्या वहां पे शूटिंग करने के लिए है क्या? काहे के किस काम के? वो अगर अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, अगर अच्छे क्रिकेटर हैं, उससे हमें क्या फायदा हुआ, देश को क्या फायदा हुआ? अगर खेल के बारे में 2-4 कानून बनवा दे समझ में आता है। कोई हीरो हीरोइन आई, अगर कोई ऐसा कानून बनवा दे कि फुहड़ता कम हो जाए, अश्लीलता कम हो जाए, नंग धड़ंगता कम हो जाए, तब तो समझ में आती है कि भाई किसी आपने हीरो हीरोइन को संसद में ले लिया। उस संसद, उस हीरो हीरोइन को संसद में लेने का फायदा क्या हुआ? न वो अश्लीलता रोक रहा है, न कभी वो वेब सीरीज के ऊपर कंट्रोल करने की बात कर रहा है, न कभी सीरियल्स पे कंट्रोल करने की बात कर रहा है, न बॉलीवुड में फुहड़ता की कंट्रोल करने की बात कर रहा है। तो उस सांसद विधायक का फायदा क्या हुआ जिसको आपने नॉमिनेट कर दिया? हमारे समाज को सबसे बड़ा खतरा इस समय इस बॉलीवुड ने फुहड़ता से फैला रखा कि नहीं? हमारी संस्कृति को खतरा? इन्हें जोर से बोलिए जरा, आपकी आवाज जानी चाहिए पूरे देश में। हमारे समाज को इस बॉलीवुड ने बर्बाद किया है कि नहीं किया? अरे हमारा व्यवहार इस बात पर डिपेंड करता है कि हम आंखों से क्या देखते हैं, कानों से क्या सुनते हैं, मुंह से क्या खाते हैं। इंद्रिय नियंत्रण इसी को तो बोलते हैं। अगर गार्बेज इन गार्बेज आउट, कूड़ा अंदर जाएगा तो कूड़ा बाहर आएगा। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आप सुनोगे वैसा व्यवहार करोगे, जैसा आप देखोगे वैसा आप व्यवहार करोगे। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अखबार आप लोग पढ़ते हो, कभी आपने किसी जैन को बलात्कारी पाया क्या? सोचना इस बात पे। जैन से मतलब जैन समुदाय नहीं, जो मतलब एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, जैनी फूड जो करते हैं। आप ढूंढिएगा जरा पेपर में, आपको कोई जैनी बलात्कारी नहीं मिलेगा, कोई जैनी किडनैपर नहीं मिलेगा, कोई जैन आपको पॉकेट मार नहीं मिलेगा,
कोई जैन आपको हत्यारा नहीं मिलेगा, मिला हो तो आप जरा सोचिएगा, क्यों? क्योंकि जैसा अन्न वैसा। तो अगर सरकार अपराध नियंत्रण करना चाहती है तो सबसे पहले उसको आंख कान नाक से जो जा रहा है हमारे बच्चों के अंदर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। पेट्रोल से आग नहीं बुझाई जाती साहब, आग पानी से बुझाई जाती है। हमारी सरकारें पेट्रोल से आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। और आंखों से हम क्या देखेंगे, हमारा क्या बच्चा देखेगा, यह इस बात से तय होना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है। यह संविधान भारत का है या अमेरिका का है? तो यह भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए है या अमेरिकी संस्कृति के हिसाब से काम करने के लिए है? भारत का संविधान है तो इस संविधान की जो लोग कसम खाते हैं उनकी ड्यूटी ऐसी व्यवस्था करें भारतीय संस्कृति की रक्षा हो, भारतीय भाषाओं की रक्षा हो, भारतीय ज्ञान विज्ञान की रक्षा हो, भारतीय परंपरा का प्रचार प्रसार हो। ये भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय रीति रिवाज क्या फुहड़ता को प्रमोट करने के लिए कहता है क्या? फिर ऐसी घटिया फिल्में क्यों बन रही है? क्यों नहीं हमारे सांसद विधायक इस पे बोलते हैं कि हमारी पूरी जनरेशन बर्बाद हो रही है, क्राइम बढ़ रहा है? क्या दिया इस बॉलीवुड ने हमें आपको? चोरी कैसे होती है, डकैती कैसे होती है, घटिया कपड़े कैसे पहनते हैं, रेप कैसे होता है, मर्डर कैसे होता है, ब्राह्मण को पाखंडी बना दिया, छत्री को अत्याचारी बना दिया, वैश्य को चोर बना दिया, इसके अलावा कुछ दिया क्या? शूद्र को दिखा दिया कि इसके ऊपर तो अत्याचारी होता रहता है, इसके अलावा किया क्या है? दुर्भाग्यवश इसके ऊपर जिन लोगों को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है संविधान को लागू करने के लिए, संविधान की शपथ लेने के लिए, संविधान के अनुसार काम करने के लिए, उन्होंने काम अपना ठीक से नहीं किया तो संसदीय अत्याचार किया कि नहीं किया? जोर से बोलिए जरा। भारत की जनसंख्या इस समय लगभग 150 करोड़ हो चुकी है। सरकार कहती है 140 करोड़, 142 करोड़, लेकिन जो मैंने PIL फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में उसमें मैंने 150 करोड़ बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि सरकार का ही कहना है कि 130 करोड़ आधार बन चुके हैं। जब मैंने फाइल किया था तब 125 करोड़ आधार थे, अभी तो 130 करोड़ आधार हो गए। आधार जिंदा लोगों का बनता है ना, मरे का आधार बनता है क्या? तो इसका मतलब 130 करोड़ तो जिंदा हो ही गए। और किसी घर में 100% आधार है क्या? जरा आप बताइए, आपके घर में छोटे बच्चे का आधार नहीं होगा? 5 आदमी का परिवार है तो एक आदमी का आधार नहीं होगा, जो छोटा बच्चा उसका कहां आधार होता है? जिसके घर में 2 छोटे बच्चे हैं दोनों का आधार नहीं होगा? जब तक बच्चा 8वीं 10वीं में नहीं आ जाता आधार कहां बनवाते हैं? तो 130 करोड़ आधार 20% बिना आधार तो टोटल 150 करोड़ हो गए कि नहीं? जमीन हमारे पास दुनिया की 2%, पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4%, और जनसंख्या दुनिया की 20% हो गई। इसका मतलब 2% जमीन पे दुनिया के 20% लोग रह रहे हैं। इसका मतलब 2 बेडरूम के मकान में 20 लोग परिवार रह रहा है। 4% पानी को 20% लोग पी रहे हैं। इसका मतलब चार गिलास है पीने वाले। आप समस्याओं की रूट का एनालिसिस करिए। 50% समस्याओं का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी की समस्या, भुखमरी की समस्या, कुपोषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, एयर पोल्यूशन की समस्या, वाटर पोल्यूशन की समस्या, नॉइज पोल्यूशन की समस्या, बढ़ते अपराध की समस्या, सबके रूट काज में क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। संविधान कहता है कि हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। संविधान की शपथ लेने वाले अपनी शपथ में क्या कहते हैं? मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। कार्य हुआ क्या? नहीं। जोर से बोलिए, नहीं। अपने काम को, अपनी ड्यूटी को न करना मक्कारी है कि नहीं? नहीं।
मक्कारी है कि नहीं, जरा जोर से बोलिए। जिस काम के लिए आपको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिल रहा है, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब हराम का खा रहे हैं। और जो आदमी हराम का खाए उसको क्या कहते हैं? मैंने एक PIL फाइल किया कि दो बच्चों का कानून बनना चाहिए, और ये दो बच्चों का कानून केवल हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है, मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान राम हैं। भगवान राम के दो बच्चे, लक्ष्मण जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के, ये कोई एक्सीडेंटल थोड़ी है। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान राम हैं। दुर्भाग्यवश हमारे सांसद विधायक न तो वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, न रामचरितमानस पढ़ते हैं, न वेद पुराण पढ़ते हैं, और न संविधान पढ़ते हैं। तो कुल मिला के वही हो गया, आप लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को ड्राइवर बना रखा है जिनको गाड़ी चलानी। मुझे नहीं पता आपके क्षेत्र में क्या है, वो आप लोग तय कर लेना, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं देखिए इंडिविजुअल ये तय आप लोगों को करना है कि आपका ड्राइवर अच्छा है कि नहीं है, आपका मिस्त्री अच्छा है कि नहीं है, आपका नाई अच्छा है कि नहीं है, आपका धोबी अच्छा है कि नहीं है, वो आपको तय करना है। आप जरा सोचिए, आजादी के 75 साल हो गए, लोकसभा की अलग वोटर लिस्ट बनती है, विधानसभा की अलग वोटर लिस्ट बनती है, पार्षद की अलग वोटर लिस्ट बनती है चुनाव के समय, और प्रधान की अलग बनती है। पूरा सरकारी महकमा साल भर यही काम करता रहता है। मेरी बहुत सारी याचिकाओं, मेरी पत्नी का भी योगदान है, वो प्राइमरी अध्यापिका है, तो उनकी ड्यूटी लगती रहती, तो कई कई बार मुझे वहां से भी आइडिया मिलता है, अच्छा उनको क्या क्या परेशानी है। मैंने एक PIL फाइल किया, इस देश में पोस्ट ऑफिस है कि नहीं? पोस्ट ऑफिस में कोई काम बचा है क्या? जब से ईमेल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, कुरियर आ गया, पोस्ट ऑफिस में कोई काम बचा है कि नहीं? हमने कहा काहे लिए BLO की ड्यूटी लगा रहे, काहे लिए प्राइमरी के टीचरों की ड्यूटी लगा रहे हो? अरे पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर घोषित कर दो, सब लोग अपना जाके वहां कागज जमा करेंगे, वहां वोटर आईडी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा ना, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई, सोच बदलो देश बदलेगा, केवल सोच बदलने की जरूरत है। और अभी लेटेस्ट मैंने एक PIL फाइल किया कि भारत में कंपलसरी वोटिंग होनी चाहिए, और केवल कंपलसरी नहीं बल्कि ऑनलाइन वोटिंग भी सुविधा मिलनी चाहिए। चुनाव के दिन ट्रक बंद हो जाते हैं क्या? चलते हैं, ड्राइवर तो सड़क पे होता है। भारत में 1 करोड़ के आसपास ट्रक ड्राइवर और खलासी हैं। मैं देख रहा था 2019 वाला लोकसभा का, मैं देख रहा था 100 करोड़ वोटर और 60 करोड़ वोट पड़ी, यानी 40 करोड़ वोट नहीं दे पाए, तो यानी 40% लोग मतदान में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, तो कुछ मजबूरी में नहीं कर रहे, कुछ दुखी होके नहीं कर रहे, कुछ लोग लगता है ये डॉक्टर ठीक नहीं, हमें OT नहीं देना, हम दवा लेने जाने नहीं, घर में मरना है, कुछ लोग इसलिए नहीं जा रहे बूथ पे, कुछ मजबूर हैं, पुलिस वाले मजबूर हैं, सेना वाले मजबूर हैं, नौकरी पेशा लोग मजबूर हैं, धंधा व्यापार करने वाले, ऐसा उनका होता शेड्यूल, उनको लगातार टूर पे होना होता, वो नहीं कर पाते, ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, मतलब ऐसे भारत में बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने एक अनुमान लगाया कि 60 करोड़ लोगों ने वोट दिया, 40 करोड़ लोगों ने नहीं दिया, इस 40 करोड़ में ये मान लेते हैं 20 करोड़ लोग तो मौज मस्ती में नहीं जा रहे या दुखी होकर नहीं जा रहे, और 20 करोड़ मजबूरी में नहीं जा रहे। इस देश में
130 करोड़ आधार बन चुका है। आधार को वोटर आईडी से लिंक करने के लिए कानून बन सकता है कि नहीं? बन सकता है भाई। वोटर 100 करोड़, आधार 130 करोड़, इसका मतलब जितने वोटर हैं सबका आधार बना हुआ है। अगर इस देश में ऑनलाइन बैंकिंग हो सकती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकता है, जहां सबसे बड़ा खतरा कहीं बैंक फ्रॉड ना हो जाए, अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकता है, ऑनलाइन बैंकिंग हो सकती है, तो ऑनलाइन वोटिंग क्यों नहीं हो सकती भाई? और एक चीज समझ लीजिए, जो गांव में रहने वाले किसान मजदूर हैं वो तो बूथ पे जाके वोट देते हैं, जो नहीं देने वाले बाहर काम करते हैं, रहते इंदौर में हैं, रहने वाले बिहार के हैं, रहते मुंबई में हैं, रहने वाले बंगाल के हैं, तो आज की डेट में उन सब के पास फोन है कि नहीं? तो उनका आधार भी है, उनका फोन भी है, आधार फोन को लिंक कर दो। अगर आधार बेस्ड, आधार पे अंगूठा लगा के बैंक से ट्रांजैक्शन हो सकता है, तो आधार पे अंगूठा लगा के वोटिंग क्यों नहीं हो सकती? हो सकती कि नहीं हो सकती? वोटिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? दुनिया के कई देशों में कंपलसरी वोटिंग का कानून है, दुनिया के कई देशों में ऑनलाइन वोटिंग का कानून है, और दुनिया के कई देशों में 100% वोटिंग का कानून है। और दुनिया तो छोड़िए, भारत के गुजरात में नगर निगम में कंपलसरी वोटिंग का कानून है। जब मैंने पीआईएल फाइल किया तो कोर्ट का ये कहना था मेरा काम कानून बनाना नहीं है। हमने कहा आपका काम कानून बनाना नहीं है, कानून बनाने वाले कानून बना नहीं रहे, तो हम जाएं कहाँ? अब हमारे सामने समस्या यही है, कोर्ट कह देती हमारा काम नहीं है। जिसको बनाना है वो सुबह से लेकर शाम तक वोट और नोट के चक्कर में व्यस्त हैं। उनकी एक पहले कहावत थी, किसकी दौड़ कहाँ है, कहावत है ना, वो शब्द मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसकी दौड़। तो ऐसे कुछ लोगों की दौड़ वोट से नोट तक, उनकी दौड़ ही वोट से। सुबह उठते हैं, पता नहीं रात में सपने ठीक से नींद आती नहीं आती है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक वोट नोट, वोट नोट, या ऐसे करूंगा वोट मिलेगी, ऐसे करूंगा नोट मिलेगी, ऐसे करूंगा वोट मिलेगी, ऐसे करूंगा नोट मिलेगी। भगवान जाने जाते समय कुछ ले जाएंगे 10-20% या छोड़ के जाएंगे, क्या करेंगे? सोने के लिए उनको 3x6 के अलावा क्या ज़्यादा चाहिए? क्या 6x6 वाला बिस्तर चाहिए क्या? हमारा तो काम 3x6 में हो जाता है। तो भैया महू का पहला पर्चा खत्म, समझे? नहीं, महू के नाम पे 3 पर्चे बने हुए थे, ये पहला पर्चा खत्म। हमारा चर्चा हो रही थी क्या क्या विषय लेना है, तो युवा एक विषय रखना है, इलेक्शन के ऊपर रखना है, तो इलेक्शन की बात हो गई है।